एक ही सवाल है, संजय सिंह के घर पे जो है आज ईडी की तरफ से रेड किया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? कल क्योंकि हमने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट को भी रेड किया गया, वो एक दूसरे केस में था, आज लिक्विड गेट जो केस है उसमें संजय सिंह के घर पे रेड्स हो रही है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दादार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफ ज्यादा है, डरे हुए हैं, और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का अपोजिशन को दबाने के लिए, अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन की बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है, तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट सेंसस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कास्ट सेंसस बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो गरीब से गरीब लोग, पिछड़े लोग कितने हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ताकि मुल्क की जो संपत्ति है जो बीजेपी ने कुछ बड़े जो पूंजीपति है उनके हवाले की हुई है, उन्हीं को दे रहे हैं सब कुछ, तो मुल्क की जो संपत्ति है वो गरीबों तक, पिछड़े हुए जो लाचार हैं, जो मुसीबत में है, जो मुश्किलात में है, उससे कास्ट सेंसस होगा, उससे हमें पता चलेगा कि किसकी जरूरत कितनी है, कौन कितना पिछड़ा हुआ है, किसका कितना योगदान है, उसके मुताबिक उनको जो है मुल्क की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।